डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6-7 के लिए गणित की जो वर्कबुक है उसके कार्यपत्र 72 से लेकर 76 तक, 72, 73, 74, 75 और 76, पांच कार्यपत्र देखेंगे। और साथ में जो आकलन नंबर 12 है वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इससे पहले वाले जो कार्यपत्र हैं इससे लेकर 73 तक के, आकलन 11 तक का और बेसलाइन असेसमेंट, उन सब का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर विजिट करें। देखिए यहाँ पर आप कार्य पत्रक में दक्षता दी गई है, आकृतियों को घुमाने पर प्राप्त आकृतियों की समझ, यानी कोई भी आकृति है उसको हम घुमाएं, किसी भी आकृति को हम 4 बार घुमाते हैं तो वो पहले जैसी बन जाती है। तो यहाँ पर आकृतियों में सबसे पहले तो आपको बताना है पहले प्रश्न में कि आकृतियों की कितनी सममित रेखाएं हैं। तो सममित रेखा का मतलब होता है ऐसी लाइन जो आकृति को दो प्रॉपर भागों में बांट दे। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है, इसमें एक लाइन हम ऐसे खींचते तो दो बराबर भाग हो गए दोनों साइड में, ऐसे हम लाइन खींचते तो ये भी दोनों बराबर भाग हो गए, ऐसे लाइन खींचते तो ये भी दोनों बराबर भाग हो जाएंगे। तो कितनी लाइनें आ सकती हैं इसमें? 3। इसी प्रकार ये पंचभुज है, इसमें आ सकते हैं आपकी 5 लाइन। देखो एक लाइन एक ऐसे आ जाएगी, दो बराबर भाग होंगे, लाइन एकदम आपको सीधी खींचनी है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इस तरीके से कितनी लाइनें आ जाएंगी? 5 लाइनें हो इसमें आ जाएंगी। इसी प्रकार इसमें आएंगी आपकी 6 लाइनें। देखो दो बराबर भाग यहाँ खींच देंगे, दो बराबर भाग यहाँ पर खींच देंगे, दो बराबर भाग 3, तो ये हो गए। फिर हम ऐसे भी खींच सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर लाइन आएंगी 6 और इसमें लाइन आ जाएंगी 4। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझें। नीचे दी गई आकृति को 3/4 घुमाने पर कैसी दिखेगी, यानी आपको 3 बार घुमाना है। किसी भी आकृति को हम 4 बार घुमाते हैं तो सेम पहले जैसे बन जाती है, तो आपको यहाँ पर 3 बार घुमाना है। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3 बार घुमाना। तो यहाँ पर देखिए ये एल आकृति दी गई है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, एल इस तरीके से है। अब एल को हम दोनों तरीकों से घुमा सकते हैं, तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में। तो एक बार हम घड़ी की दिशा में ही घुमाते हैं, तो एल एल को हम 90 डिग्री पर घुमाएंगे, तो ये जो लाइन है ये यहाँ जाएगी और ये घूम जाएगी, यानी 1/4 घूम गया, 1/4 घूम गया इसका। फिर हम 1/2 है, 2 बार घुमाते हैं तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और 3 बार घुमाएंगे तो ये आकृति ऐसी बन जाएगी। तो 3/4 घुमाने पर कैसे बनेगी? या आकृति बन जाएगी। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। अभी आपको बेलन दिया गया है, इसको हम 1 बार घुमाएं तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। 2 बार घुमाएंगे तो फिर वापस हो जाएगा, और 3 बार घुमाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो 3/4 घुमाने पर सीधी आकृति हो जाएगी। इसको घुमाएं तो 1 बार घुमाएंगे तो ये भाग यहाँ पे आ जाएगा, 2 बार घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, 3 बार घुमाएंगे तो ये भाग यहाँ पर आ जाएगा, तो यह आकृति बन जाएगी। ये आपको छत्र दी गई है, इसको 3 बार घुमाने पर यह आकृति बनेगी। और ये प्लस का साइन है, ये चारों तरफ से एक जैसा ही है, इसको कैसे भी घुमाएं ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो नीचे दी गई कौन सी आकृति 1/2 घूर्णन करने पर पहले जैसी दिखाई देती है, यानी किसी भी आकृति को हम आधा घुमा दें तो वो वैसी की वैसी दिखनी चाहिए। तो जो आकृति चारों तरफ से एक जैसी होती है उसको हम कितना घुमाएं वो वैसी की वैसी दिखाई देगी। अब देखिए त्रिभुज है, इसको हम कितना भी घुमाएं ये ऐसा कैसे रहेगा? तो ये आ जाएगा टिक का लगाना, ये आयत है। आयत को देखो 1 बार घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, 2 बार घुमाएंगे तो वापस सीधा हो जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आ जाएगा, ये आपको वर्त दिया गया, ये भी ऐसा कैसा रहेगा, ये भी ऐसा कैसा आ जाएगा और ये भी ऐसा कैसा। तो सभी में आपको टिक का निशान लगा देना है। अगला, नीचे दी गई आकृतियों को निर्देशानुसार घुमाएं, आकृतियों की स्थिति बनाएं। आकृतियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है, आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है, इस तरीके से ऐसे घुमाना है। तो इसको मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। तो पहली आकृति आपको इस तरीके से दी गई, इसको आपको 1/4 घुमाना है, यानी उल्टी दिशा में घुमाना है इस तरीके से। तो उल्टी दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, इस तरीके से घुमाएंगे हम, इस तरीके से। तो घड़ी की दिशा होती है और इस तरीके से घड़ी की विपरीत दिशा होती है, तो आपको उल्टा घुमाना, उल्टा घुमाएंगे तो यह आकृति ऐसे बन जाएगी। ये डी दिया गया, डी को उल्टा घुमाएंगे 1 बार घुमाना है आपको तो ये बन जाएगा। और गया वाली आकृति को उल्टा घुमाएंगे, 1/4 घुमाना है तो ये आकृति बन जाएगी। अब टी है, टी को 3/4 घुमाने, 3 बार घुमाना है, तो टी आकृति ऐसी है, इसको हम 3/4 घुमाते हैं, 1/4 घुमाएंगे तो ये बन जाएगा, 2/4 में ऐसे बनेगी, 3/4 में ये आकृति बन जाएगी, तो यहाँ बना देंगे। डब्ल्यू को 3/4 घुमाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, और एल को 3/4 घुमाएंगे तो ये आकृति बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट नंबर 72 कम्प्लीट करनी है। आगे देखें हम 73, बिल्कुल सिंपल सी है, द्विआयामी आकृतियों के गुण को समझ पाना। दी गई आकृति में आपको बताना त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर आप गिन सकते हो, देखो एक त्रिभुज तो ये है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और 8, कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर? 8 हो गए। आयत बताना है, आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं
बराबर होती है। तो यहाँ पर एक आयत ये आयत दिया गया, और कोई आयत इसमें है नहीं, तो ये एक आयत हो जाएगा। वर्ग देखें जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक वर्ग, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ वर्ग हो गए। तो यहाँ पर वर्ग कितने हो जाएंगे, आठ। वर्त की बात करें हम तो एक वर्त, दो, तीन और चार, तो टोटल वर्त कितने होंगे, चार। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। अगला है, नीचे दी गई आकृति को सही तथ्य से मिलान करें। चार भुजाएं और चार कोने किसमें होते हैं, तो चार भुजाएं चार कोने होते हैं आपके आयत में, तो यहाँ पर मिला दीजिए। चार बराबर भुजाएं और चार कोने वर्ग में होते हैं, तो इसको मिला दीजिए। तीन कोने तीन भुजाएं त्रिभुज में होते हैं, तो इसको मिला दीजिए। बंदाकृति शून्य कोने शून्य किनारा, तो ये होता है वर्त में, तो इसको यहाँ पर मिला दीजिए। तो इस तरीके से करेंगे हम। अगला है, आपको गिनना है आकृति में कि त्रिभुज कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग 40 के आसपास नीचे हो सकता है, एक दो कम, ज्यादा भी आ सकता है, कम तो नहीं आएगा। मैंने पूरा गिने हैं, लेकिन फिर भी अगर एक दो रह गया तो आप ध्यान से गिने बिल्कुल। देखिए इस भाग में बात करें हम, इस भाग में तो एक, दो, तीन, चार, तो ये हो गए। फिर ये हो गया पांच, इस तरीके से ये हो जाएगा छह, फिर ये हो जाएगा सात, और ये हो जाएगा आठ। यानी एक भाग में आठ है, तो आठ, 16, 24 और 32, तो ये त्रिभुज हो गए। फिर देखो, फिर हम बात करते हैं, तो ये हो गया आपका 33, ये हो गया 34, ये हो गया 35 और ये हो गया 36, 36 तो ये हो गए। फिर देखो बड़े वाला त्रिभुज की बात करते हैं, ये 37, ये 38 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। 40 तो मैंने यहाँ पर गिन लिया, बाकी एक दो अगर और भी होते हैं इसमें आकृति को हम ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसमें वर्ग कितने हैं, तो वर्ग देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, तो सिंपल सिंपल है। फिर देखो ये हो जाएगा आपका 9 नंबर, और ये हो जाएगा 10 नंबर, और ये हो जाएगा आपका 11 नंबर, और ये हो जाएगा 12, और फिर ये वाला हो जाएगा 13, और ये वाला हो जाएगा 14। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने, 14 है। तो इस तरीके से करेंगे। दी गई आकृति में त्रिकोण या त्रिभुज को छायांकित करना, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो आप त्रिभुज को छायांकित कर दो। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, तो टोटल त्रिभुजों को छायांकित करना है। अगला देखते हैं हम कार्य पत्र नंबर 74, त्री आयामी आकृतियों को समझ पाना। यहाँ पर दी गई आकृति थ्री डी आकृतियां हैं, को छांट कर आपको टिक्का निशान करना। देखो ये शंकु दिया गया है, तो ये इसको यहाँ से मिलान कर देंगे। शंकु का हम सही संरचना याद रहेगी शंकु की। ये आपको घन दिया गया है, तो घन की आकृति घन को अगर खोलेंगे तो इस तरीके से आकृति आएगी। आगे हम नीचे दिए गए बॉक्स को थ्री डी आकृतियों की सही संरचना के साथ मिलान करें। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो ये जो बेलन है, बेलन को यहाँ पर मिला दीजिए। ये आपका प्रिज्म है, तो प्रिज्म को यहाँ पर मिला दीजिए। ये पिरामिड है, पिरामिड को यहाँ पर मिला दीजिए, और ये घनाभ है, घनाभ को हम यहाँ पर मिला देंगे। अगला नीचे देगी संरचना में किन किन से हम घन का निर्माण कर सकते हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। घन किससे बनाया जा सकता है, तो घन एक तो इस आकृति से बन सकता है, एक घन इस आकृति से बन सकता है, क्योंकि टोटल 6 भाग होने चाहिए। घन में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः इसका बन सकता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः इसका बन सकता है। इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 5 ही भाग हैं, इसमें भी नहीं बनेगा 5 ही भाग है, इसमें भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 4 भाग हमारे ऐसे होने चाहिए इस तरीके से, और एक भाग फिर ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, इसका भी नहीं बनेगा। इसमें भी 4 भाग तो है, लेकिन दोनों ही ऊपर दिखा रखे हैं, तो इसका भी घन नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, इन दो के घन बन जाएंगे। नेक्स्ट कार्यपत्र नंबर 75 आपको दिया गया है, विभिन्न ज्यामिति वस्तुओं की ज्यामिति आकृतियों की पहचान पाना। जैसे दी गई आकृतियां किन वस्तुओं को ट्रेस करने से प्राप्त होंगी, नाम लिखें। देखो यह आकृति है, यह हम कौन सी वस्तु को देखेंगे, यह आकृति हमें दिखाई दे, तो जैसे चौक का डिब्बा होता है, उसके ऊपर वाले भाग को देखेंगे तो ऐसा ही होता है, किसी भी भाग को देख लो आप ऐसा ही होता है, तो ये कैसी आकृति है, वर्गाकार आकृति है। यह आपको त्रिभुज दिया गया है, तो सड़क पर कई जगह हम देखते हैं यातायात संकेत बोर्ड लगे होते हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है कृपया धीरे चलें, या जो भी लिखा होता है, तो ये कैसी आकृति है, त्रिभुज आकृति है। यह है वर्थ, जैसे लड़कियां हाथों में जो पहनती है कंगन, वो वैसे हम बोलते हैं कि ये गोलाकार है, गोलाकार नहीं होता, ये कैसा होता है, वर्ताकार होता है। और ये आकृति है आपकी आयत की दिखा रखी है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है उसको ऊपर से देखेंगे हम तो हमें आयताकार दिखाई देता है, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स का फलक हो जाएगा आयताकार, इस तरीके से लिखना है।
अगला है दी गई वस्तुओं से प्राप्त आकृति पर सही का निशान लगे। देखिए ये आपको वो दिया गया है, घनाभ दे रखा है, तो इसे आकृति कौन सी प्राप्त होगी, ये आकृति प्राप्त होगी। इसी प्रकार ये घन है, घन से यह आकृति प्राप्त होगी, ये शंकु है, शंकु से यह आकृति प्राप्त होगी, और यह आकृति भी हो सकती है शंकु से, और यह आपका गोला है, गोले से आकृति यह प्राप्त होगी। अगला है अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखो जो नीचे दी गई वस्तुओं से मिलती जुलती है। देखो गोला, तो गोलाकार अपने क्या होता है, फुटबॉल होता है, गेंद होती है, वॉलीबॉल होता है, गोला होता है, और लड्डू जो होता है खाने का वो भी कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये घनाभ का चित्र दिया गया है, सॉरी घन का दिया है, तो चौक का डिब्बा घन के जैसा होता है, पासा भी घन के जैसा होता है, और भी हम बड़े जो डिब्बे आते हैं चारों जिसके 6 फलक होते हैं टोटल, तो वो डिब्बे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ये आपको शंकु दिखा रखा है, तो टोपी होती है, जो जोकर की टोपी होती है वो शंकुआकार होती है। आइसक्रीम का जो कोन होता है, कोन खाते हैं हम आइसक्रीम का, वो भी कैसा होता है, शंकुआकार होता है, शंकु होता है, और लट्टू भी होता है यहाँ पर। इसके हम देखते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 76, निम्नलिखित का सही जवाब ढूंढे और मिलान करें। वह कोण जिसकी माप एक समकोण की माप से अधिक हो, तो समकोण की माप से ज्यादा उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। कोण जिसकी माप 2 समकोणों के बराबर हो उसको सरल कोण कहा जाता है। तीसरा भाग आपको यहाँ पर दिया गया है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, हम समकोण कहते हैं। अगला वह कोण जिसकी माप एक समकोण से कम है, तो समकोण से छोटे डिग्री को क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहते हैं, यानी 0 से लेकर 90 तक, यानी 90 से छोटा हो उसको न्यून कोण कहेंगे, और 90 से 180 के बीच में उसको अधिक कोण कहेंगे। 180 के हम कोण को सरल कोण कहते हैं, और 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। अगला देखें हम, तो घड़ी को देखकर बताएं कि घड़ी की सुइयों के मध्य कौन सा कोण बन रहा है। लिखिए, तो आपको घड़ी की सुइयों में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक घंटे के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है, बस ये चीज आप याद रखें। जैसे 12 और 1 के बीच में बनाएंगे तो 30 डिग्री का बनेगा, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री का, 2 3 के बीच में 30 का, हर घंटे के बीच में कितने कितने डिग्री का कोण है, 30 30 डिग्री का कोण है। तो आपको यहाँ पर 12 से 3, तो कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे में कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण, इसको क्या कहते हैं हम, समकोण। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समकोण। यहाँ पर देखें हम, तो ये 2:20 है, तो 2:20 पर आपका कोण बनेगा 2:20, तो टोटल यहाँ पर देखिए 3 से 4 के बीच में तो आपका 30 डिग्री का कोण बन गया है। और यहाँ पर ये जो घंटी वाली सुई है ये 2 से थोड़ा आगे है, तो यहाँ पर और यहाँ से लेकर 3 तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये आपको देखना है कि देखो 12 से लेकर वापस घूम के 12 तक आई तो 60 मिनट होती है, 60 मिनट में कोण कितना बनता है, 30 का बनता है, तो 20 मिनट में कोण कितना बनेगा, 10 का बनेगा, फिर 20 मिनट में 10 का बनेगा, फिर 20 मिनट में 10 डिग्री का बनेगा, यानी 60 मिनट में कितना बनता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर 10 मिनट आगे आ गया, यानी 10 डिग्री कोण आगे आ गया। तो यहाँ पर जो सुया है और ये 3 है, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया, अब 20 डिग्री हो गया, तो 20 डिग्री 30 डिग्री, तो कोण कितने का बनेगा, 50 डिग्री का, यानी न्यून कोण हो गया ये। यहाँ पर हम देखें 11:30 है, तो देखिए 6 से 7 के बीच 30 60 90 120 और 120 38 150, 150 तो ये हो गया, और फिर ये सुया आधा आगे चला गया, यानी 15 डिग्री और हो गया है, तो 165 डिग्री का बनेगा। 165 को क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा। अगला हम दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों के कोणों में समकोण, समकोण से कम और समकोण से ज्यादा की संख्या लिखी, तो ये एच की आकृति दी गई है आपको, इसमें समकोण कितने हैं, तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, 4 समकोण है, समकोण से कम 0 है, समकोण से ज्यादा भी 0 है। इसमें हम देखें तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, दोनों न्यून कोण है, यानी समकोण से कम है, तो 2 तो समकोण से कम हो गए, ये समकोण से ज्यादा है, 1 समकोण से ज्यादा हो गया, समकोण इसमें है नहीं, तो 0 हो जाएगा। अगला है निम्न आकृतियों को कौन चांदी की सहायता से माप कर लिखना, तो ये सारे जो कोण है वो आपको चंदे की सहायता से माप के लिखने, ये लगभग 35-40 के आसपास आएगा, ये आपका आएगा 80 के आसपास, ये भी 80 के आसपास आएगा, ये जो कोण है ये आपका 70-80 के आसपास आएगा, इसमें 3 और 60 60 के आएंगे, और यहाँ पर ये कोण 120 डिग्री आएगा। इस तरीके से हम नाप के लिख देंगे, नाप के आप बिल्कुल सही लिखेंगे। अगला अगला नंबर 12 देखते हैं, निचली की संरचना में किन से घनाभ बनाया जा सकता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगे, घनाभ किससे बन सकता है, तो घनाभ एक तो इससे बन सकता है, इससे है वो घन बनेगा,
पहली आकृति से क्या बनेगा, घन बनेगा, घन को भी हम घनाभ कह सकते हैं, तो इसको भी टिक लगाएंगे और इसको भी टिक लगाएंगे। अगला है, दी गई वस्तुओं के छायांकित सतह को छापने पर कैसे आकृति प्राप्त होगी। देखो इसकी छायांकित सतह ये है, इसको छापेंगे तो ये आकृति प्राप्त होगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। ये शंकु है, शंकु की छायांकित आकृति को छापेंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए इंजन में अलग अलग आकृतियों की संख्या गिनकर लिखनी है, कितने त्रिभुज है यहाँ पर, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 त्रिभुज हो गए। आयत कितने हैं, तो आयत देखें तो एक तो ये आयत रहा है यहाँ पर, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, पाँच ये हो गया, छ ये हो गया, सात ये हो गया, आठ ये हो गया, नौ ये हो गया, दस और ये कितना हो गया, 11। तो आयत कितने हैं यहाँ पर, 11 है। फिर वर्ग बताने, तो वर्ग हम देखें तो देखिए एक तो वर्ग ये हो गया पूरा, फिर ये दो ये तीन, तीन वर्ग हो गए यहाँ पर। फिर वर्ग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6, तो टोटल वर्ग कितने हो गए, 6 हो गए। अगला नीचे दिए गया आकृति को एक चौथाई घुमाना है, तो एक चौथाई घुमाएंगे तो ये त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा, ये आकृति चारों तरफ से एक जैसी है तो इसको कितना भी घुमाएं ये ऐसा कैसा रहेगा। अगला निम्नलिखित आकृतियों के कोण को चंदे की सहायता से नापकर इनकी माप लिखनी है, तो आप चंदे की सहायता से नापे और नाप के इनकी माप है वो आराम से लिख सकते हैं। तो ये अपना आकलन नंबर 12 हो गया और 72 से लेकर 76 तक के कार्य पत्रक हो गए आपके। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें एकदम, और आगे वाले जो कार्य पत्रक हैं और आकलन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।